थोड़ा, अरे दुबले तो हो गए हो, थोड़ा और दुबले हो जाओ। क्या नाम है आपका? नरेश। कहाँ के रहने वाले हो? गुजरात का। हा? गुजरात, गुजरात मराड़ में। गुजरात, क्या हाल है चुनाव का? चुनाव का हाल तो अभी देखो क्या है, वो लग क्या रहा है, कोई रखता है मोदी जी आएगा ऐसा? मोदी जी तो खासदार वाले चुनाव में आए ना। हाँ, वहाँ तो पत्ता कट गया। हाँ, आपका नाम क्या है? दसमूल। हाँ, दसमूल। आप कहाँ के हो भैया? बिहार। अरे हम जब से चढ़ा गोरे गांव में चर्च गेट जाने के लिए, सब यूपी बिहार वाला ही मिल रहा है। यूपी बिहार वाला ही मिलेगा आपको, ज्यादातर यूपी बिहार वाला ही है। यूपी बिहार वालों में किसका जोर चल रहा चुनाव में? देखो अभी किसका, अभी तक तो खुल रहा है, चल रहा है, मालूम पड़ेगा आगे आगे जैसा दिन जाएगा वैसा ऐसा समझ में आएगा कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव का माहौल बना कि नहीं? लग रहा है थोड़ा थोड़ा बन रहा है महाराष्ट्र में चुनाव का माहौल। आपको देखने में क्या लग रहा है, कड़ी टक्कर होगी या मुकाबला एक तरफा है? कड़ी टक्कर है इस बार। ये लाड़की बहना योजना का असर कोई देख रहे? थोड़ा थोड़ा उसका सुना है, बट इतना असर नहीं देगा, वो मुझे नहीं लगता देगा असर। आपके देखने में किसकी उम्मीद? मुझे तो लगता है उधर टकरा आएगा इस बार। किस वजह से है उसका थोड़ा मतलब संपत्ति है, या फिर गए सरकार में वही थे, फिर वो गए, फिर अभी ये दूसरा है, फिर अभी लोग है उसका, बहुत सारे है कारण उनके आने के लिए। शांता कुर्ज आने वाला है। और अंकल क्या हाल है आप बताए भाई, आप बताए। बहुत तगड़ा जो बैग लेके जा रहे हो, बहुत बड़ा अंकल। पिलो है जैसे पिलो। हाँ, पिलो कवर है और कुछ नहीं है। क्या नाम है आप? विनेश मेहता। हाँ, विनेश मेहता। आप कहाँ के रहने वाले? बोर्न एंड बोटो बॉम्बे, वैसे गुजरात से। कोई बात नहीं, जब यहीं पैदा हुए तो आप। ये मराठी गुजराती का मामला बड़ा चुनाव में चल रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं। हा? कुछ नहीं है। वो आदित्य ठाकरे जिस वर्ली सीट से लड़ते हैं वहाँ गुजराती वोट ज़्यादा थे, मैंने सुना उन्होंने पोस्टर लगा दिया केम छे, बड़ा उस पर चर्चा हो गई थी। पॉलिटिकल गेम है ना सर, पॉलिटिकल इश्यू। तो जो महाराष्ट्र में गुजराती हैं उनका झुकाव किस पार्टी की तरफ ज़्यादा है? डिपेंड्स, मैं तो बीजेपी वाला हूँ। सब गुजराती बीजेपी वाले हैं? मेजोरिटी। और मोदी जी की वजह से या पार्टी की वजह से? पार्टी के हिसाब से, और मोदी जी भी है, प्लस पॉइंट मोदी जी भी है और पार्टी के हिसाब से, दोनों चीज़ें। और इस बार चुनाव में आपको क्या लगता है, चलो आप बीजेपी की तरफ हो लेकिन चुनाव में आपको क्या लगता है? चांसेस तो अभी 50-50 जैसा हो सकता है। 50-50 चांसेस तो है, कंपटीशन तो है। अगाड़ी और दूसरा कौन है वो? अगाड़ी और सामने कौन है? महायुति। हाँ, कंपटीशन तो है, पॉलिटिकल इश्यू नए नए खड़े हो जाएंगे कुछ ना। तो क्या मुद्दा क्या है, लोगों के दिमाग में चर्चा किस बात पे ज़्यादा है? क्या महाराष्ट्र में तो, बॉम्बे में तो मुझे इतना आइडिया नहीं है मुद्दे के लिए। बॉम्बे में तो कुछ मुझे को इतना आइडिया, महाराष्ट्र का आइडिया नहीं। क्या नाम है आप? मेरा नाम डेविड। डेविड कहाँ के हैं डेविड? सर मलाड में रहता है, मैं तमिलनाडु का है। कब से? मैं इधर 1973 से इधर आए बॉम्बे में, 50 साल हो गया। क्या लग रहा है बॉम्बे में? बॉम्बे में क्या अभी चलते गए थे, अभी तो बुरा लग रहा है, पहले अच्छे था, अभी क्या बॉम्बे का बहुत महंगाई बढ़ गया है, खाने का वंदा हो गया, दो आदमी औरत मरद काम किया तो टीच सकता है, ये तो एक आदमी काम से मुश्किल है ऐसा। मैं सबसे कह भी महंगाई बढ़ गया है बॉम्बे में, तो पहले कैसा मजा नहीं आया। 73 में आया ना तो बोलते बारिश बोलो ठंडी बोलो, क्लाइमेट सेम था, अभी थोड़ा गर्मी ज़्यादा होता है, कभी बारिश करता है, कभी ठंडी ज़्यादा होता है, कंडीशन चेंज होते रहते हैं, आदमी भी ऐसे बदले होते जाते हैं ना। इंसान तो आपको मालूम है ना भाई, कोई क्या बोलने की क्या जरूरत है, ऐसा बच्चे से बात नहीं करते, कंप्यूटर का युवा में खाली छोटे बच्चे उड़े मोबाइल रखे खेलते हैं, अभी रोज बच्चे को बोलो मोबाइल दे, हमको कुछ इतने नॉलेज नहीं,
बच्चे छोटे भी 2 साल हो गया ना, माँ देते हैं उसको मोबाइल दे देते हैं खाने के लिए, रोने के लिए, चलो मोबाइल देखते रहो माँ, ऐसे ही जामा। फिर अब आगे क्या होगा वो बच्चा? आगे जो होगा वो तो समय बदलता है, सब होता है। अब चुनाव के बारे में कुछ बताओगे डेविड भाई? हाँ, चुनाव पर क्या बोल बताएगा, हम कौन आते हो तो आते, अब तो माइक का बोलने की भी जरूरत नहीं, सब जीता हो आया राज कर रहे हैं, वही ना, कोई जीत गया वो राज कर रहे हैं ना अभी तक। अभी ईमानदारी तो दुनिया नहीं है, दुनिया तो अल्टी पल्टी हो गया, पैसा कितनों कमा सो देखो ऐसे हो रहे हैं। इतने तकलीफ से हम आए, इतने साल से 50 साल से कितने तकलीफ से, कौन पूछे मेरे को आके, तो ही काम करो काम नहीं करो कहने के होता है ऐसे है। अभी मैं काम करता था कंबाटा एविएशन एयरपोर्ट में, 33 ईयर काम किया। अभी 2016 में मेरे को मेरे अकेले ने 2000 भी काम से निकाल दिया, अभी की इंसाफ नहीं मिला, भूखा मर रहा हम लोग, क्या कौन देखता है, कोई पूछता, कोई राजकरण देखते कांग्रेस। अच्छा, आप जब से हो बॉम्बे में सबसे अच्छी सरकार किसकी थी? हाँ, पहला कांग्रेस था अमल आने टाइम। सरकार अच्छी किसकी थी? सरकार अच्छा तो वही बोले, हमको बराबरी नहीं है, सब सरकार के बारे में ना बात करने के नहीं, हमारे घर का हमारा रिलेशन वो बता रहा हूँ, ये तकलीफ है। और दूसरे क्या बात है, क्या हाल चाल है आप? बस ठीक है, ठीक है। और क्या, क्या नाम है आप? नीलेश। आप कहाँ के? कहाँ के, बम्बई के ही है। मराठी है? नहीं नहीं, गुजराती। हम चुनाव के बारे में आज पूछने आए, क्या किसका माहौल है, क्या चीज हाल चाल किसका? माहौल तो बीजेपी है। और ये उद्धव ठाकरे या शरद पवार? नहीं, आएगी बीजेपी। किस वजह से? किस वजह? मोदी की वजह से, और क्या। मोदी को तो नहीं वोट मिला खासदार में? अरे खासदार में नहीं मिला, अभी नहीं, खुद उनका चेहरा था तब तो मिला नहीं। आपको मालूम है सब, आप पूरे हर जगह घूमते हो, हम आपका टीवी में देखते हैं। अरे ऐसे थोड़ी है, आप हर जगह गली, हमसे ज्यादा आपको मालूम है। नहीं आएगा मोदी, आप बताओ। चलो आप, मैं आपको पूछता हूँ, हम आपको पूछता हूँ, आप तो, हम तो एक जन को आप पूछ रहे हो, आप तो पूरी मुंबई पूरा इंडिया घूम रहे हो। सुनो मेरी बात, आपका मैंने सुन लिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलो बोलो, वो बीजेपी नहीं आएगी? नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, तो फिर मैं देखने में आपके हिसाब से, मैं ये भी नहीं कह सकता महाविकास अघाड़ी भी नहीं आएगी। मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोकसभा चुनाव का परिणाम आया, हमारा ज्यादा हो गया है, तो इसमें कोई भी आदमी नहीं बता पाएगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, किस तरफ जा रहा है, कौन किस तरफ जा रहा है, वो कोई नहीं बता पाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं, मेरे को लगता है कि लोकसभा में महाविकास अघाड़ी को जो ज्यादा सीटें मिली, ठीक है, उसके बाद जब मोदी जी के नाम पे चुनाव हो रहा था तब भी उनको यहाँ से नहीं मिली, क्योंकि लोगों की नाराजगी ये देखने में आई कि शिंदे साहब और उद्धव ठाकरे की पार्टी को बीजेपी ने तोड़ा। लेकिन सुनो, तोड़ा क्या तोड़ा, उसकी कुछ वजह है ना। अरे आगे सुनो, तो उसके बाद वो नतीजे आए, ऐसा लोगों ने माना कि सीटें कम आई। और दूसरी बात है कि लेकिन उसके बाद जो ये लाटकी बहना योजना शुरू कर दिया तुरंत, उससे नहीं है। अच्छा खराब छोड़िए, लेकिन उस अच्छा खराब छोड़िए, अच्छी चीज नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, चुनाव हारने के बाद 4 जून को आप हारे, 28 को शुरू किए, तो ये वोट के लिए किए, तो लेकिन उससे पूरे महाराष्ट्र में एक माहौल एनडीए का भी दिखाई देने लगा है, मैं ये कह रहा हूँ। नहीं नहीं, देखो आएगी तो बीजेपी, आप देख लो, आप भी इधर हो हम भी इधर है, इसके बाद आप भी बोलोगे कि नहीं किसने हमको बताया था कि आएगी तो बीजेपी। अरे भाई, देखने में तो हरियाणा में बीजेपी नहीं आ रही थी, वहाँ भी आ गई, फिर आ गई ना, फिर धीरे धीरे सबकी आँख खुलेगी। अभी वो बंटवारा है जो बहुत गुट हो गया है अलग अलग, इसमें से कोई जजमेंट नहीं ले पा रहा है कि कौन किसको किधर जाएगा, लेकिन आएगी बीजेपी।